तुम्हारा नाम लेने से मुझे सभी जान जाते हैं। आवाज खोलो। मैं वो खोई हुई एक चीज हूँ जिसका पता तुम्हें हो। जिसने सरकार दो आलम का मदीना देखा उसने बेता हुआ ईमान का दरिया देखा। नाते रसूल जो मेरा बड़ा हिट हुआ, वैसे तो काफी हिट हुए, लेकिन इस टाइम जो चल रहा है वो पेश कर रहा हूं। वो काबा है मोहम्मद का, दुबई सुनिएगा। वो काबा है मोहम्मद का, वो काबा। खामोश कैसे बैठे हो? वो काबा है मोहम्मद का, वो काबा है मोहम्मद का, वो काबा है मोहम्मद का, मदीना है मोहम्मद का। ये मेरे बड़े भाई, बड़े करम फरमा गुड्डू भाई की जानिब से ये मुझे सदकाए रसूल अता हुआ है। अल्लाह इनको और नमा दे। ये अभी मिसरा भी मैंने पूरा खोला नहीं है, तो ये आलम है। कमर भाई पूरा सुनिएगा। वो काबा है मोहम्मद का, मदीना है मोहम्मद का। ये बड़े भाई वो काबा है मोहम्मद का, मदीना है मोहम्मद का। वो काबा है मोहम्मद का, मदीना है मोहम्मद का। देखो खुदा की बात है सबसे बड़ा। मोहम्मद वाले हैं कि नहीं है? हाथ उठाकर दिखाओ कौन कौन है। नारा तकबीर, क्या बात है। ये आवाज जो सब लोग बोलो तो कैसा रहेगा? खुदा की बात है सबसे बड़ा। कम रह गई आवाज इतने मजमे में। खुदा के बाद है सबसे बड़ा, खुदा के बाद है सबसे बड़ा। अरे रुतबा मोहम्मद का, रुतबा
जवान बैठे हैं भाई, मैं पुलिस वालों की बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि ये जब रात के अंदर हम लोग सोते हैं ना तो ये हमारी हिफाजत करते हैं। अब ये मिश्रा आपसे भी दे रहा हूं, जमाना कल भी टुकड़ों पर पला है कमली वाले के, जमाना कल भी टुकड़ों पर पला है कमली वाले के, हाय जमाना। ये हमारा थाना अध्यक्ष साहब की जानिब से ये मुझे सदकाए रसूल अता हुआ है, लेकिन ये मिश्रा देने जा रहा हूँ, सुनिएगा जरा। गुड्डू भाई मुझे खुशी जब होगी ये मिश्रा सुनकर आप मुझे दुआओं से नवाजें। जमाना कल भी टुकड़ों पर पला है कमली वाले के, ये दुनिया खा रही है आज, दुनिया खा रही है आज भी सदका मोहम्मद। रोशनी का कुछ ना कुछ इनकाम होना चाहिए, तालियों की आवाज आनी चाहिए इस मिसरे पर। रोशनी का कुछ ना कुछ इनकाम होना चाहिए, बंद कमरे के अंदर रोशनदान होना चाहिए। अरे आपके महक में जो लिखा हो लेकिन, अरे आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, तो उसे कारे जहन्नुम क्या जलाएगी कयामत में, कि जिसने पढ़ लिया एक बार भाई, कि जिसने पढ़ लिया एक बार भी कलमा मोहम्मद, अरे कलमा मोहम्मद, अरे कलमा मोहम्मद, अरे गुड्डू भैया, गुड्डू भाई ये आपने फिर मुझे नवाजा, और मेरे बड़े भाई जनाब कमर भाई ने भी मुझे सत्काए रसूल से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गुड्डू भाई फिर आपने मुझे 500 से नवाजा, लेकिन शेर सुनते जाए आज पूरी रात, यानी मैं इन लोगों को भी गप्पाने के लिए आया हूँ। शेर सुनो जरा, खुदा के सामने हर उम्मती की मगफिरत होगी, 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 खुदा के सामने हर उम्मती की मगफिरत होगी। मेरे बड़े भाई जनाब शिबू भाई नहीं दिख रहे हैं, शिबू भाई मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप भी आए जरा भाई। आज ये प्रोग्राम को भी, इस प्रोग्राम को सजाने के लिए आपकी भी बड़ी मेहनत रही है।
शेर सुनिएगा जरा, खुदा के सामने हर उम्मती की मगफरत होगी। अब लोग बात कहते हैं कैसे, अब ये मिसरा दे रहा हूं, ये मेराज का महीना है। हुए मसनस नशीने अर्श जिस दम सरवरे आलम, तसद्दुक रहमतें होने लगी सरकार पर पे हम। कहा हक ने तुम क्या चाहते हो रूनुमाई में, अता कर दूंगा मांगो आज जो कुछ भी है खुदाई में। तो मोहम्मद ने कहा या इलाही लाज रख लेना, पर रोजे हश्र मेरी अजमते मेराज रख लेना। तमन्ना कुछ नहीं माबूद एक रूदाद लाया हूँ, मेरी उम्मत को तो सबसे बचा फरियाद लाया हूँ। तो कहा अल्लाह ने ए मेरे महबूब, गुड्डू भाई इधर उम्मत उधर माँ बाप है तेरे, इन दोनों में से एक को बख्श वाले है नबी मेरे। तुम मोहम्मद ने कहा ए मेरे खुदा माँ बाप तो तेरे हवाले हैं, बचा उम्मत के पौधों को बड़ी मेहनत से पाले है। बचा उम्मत के पौधों को बड़ी मेहनत से पाले हैं। अरे खुदा के सामने हर उम्मती की मफिरत होगी, ये वादा है, ये वादा है। ये वादा है मोहम्मद, फिरत होगी। सर